जीवन परिचय में उपलब्धि हम देखते हैं। आधारभूत विज्ञान एक अनुप्रयोगी विज्ञान है। अनुप्रयोग विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यह गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। वही आधारभूत विज्ञान से वैज्ञानिक मानसिकता, समझ और जानकारी का विकास होता है। इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान आगे बढ़ता है। विज्ञान के दोनों ही पक्ष आधारभूत एवं अनुप्रयोग को समृद्ध बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ईसा पूर्व से ही समय समय पर योगदान किया गया है। इसी संदर्भ में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पर संक्षेप में पढ़ेंगे। पहला है सुश्रुत। विश्वामित्र के वंशज हैं सुश्रुत का जन्म है। उन्होंने धन्वंतरी के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया जो आज भी प्रासंगिक है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया को परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए। संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। तो ये है सुश्रुत जो कि विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं। ये सुश्रुत का फोटो हम देख सकते हैं। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। फिर हम देखें यहां पर शल्य चिकित्सा से क्या भारत को फायदा हुआ है। जोसेफ लिस्टर ने कई शताब्दी पूर्व उन्होंने आपूर्ति दोष का विचार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरण को गर्म करने के लिए निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष न रह जाए। रक्त का थक्का जमने से सुश्रुत के द्वारा 26वीं शताब्दी पहले नाक, कान, होठों के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। वास्तव में इसके पिता सुश्रुत को कहा जाता है। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया और उनके संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप्स या काटने या पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्ण रूप हैं। यानी कि जो आजकल हम पट्टियों को काटने में यूज करते हैं या जो आजकल नए आधुनिक उपकरण हम यूज करते हैं उनका पहले का रूप है जो चिकित्सा में 101 यंत्र यहाँ पर सुश्रुत ने बनाए थे। यहाँ पर सुश्रुत ने बताया कि चिकित्सालयों की साफ सफाई भी हमें समय समय पर करनी चाहिए। साफ सफाई के विषय में भी उन्होंने उपयोगी निर्देश दिए हैं। जो भी हमारे अस्पताल हैं उनकी साफ सफाई हमें समय समय पर करनी चाहिए, ऐसे ही उपदेश उन्होंने दिए हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलता है कि चिकित्सा ज्ञान में भारत बाकी देशों में बहुत आगे था। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुवादित हुआ और बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का मानसतम चिकित्सक यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं चरक। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। इनके अनुसार शरीर को कार्य के कारण तीन दोष हैं। तो यहाँ पर चरक ने बताया कि शरीर को कार्य के कारण तीन दोष हैं, पित्त, कफ और वात, यानी कि वायु। शरीर में मौजूदा तीनों दोषों के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये महान आचार्य थे चरक जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि शरीर में अगर पित्त इनका असंतुलन होता है, पित्त, कफ और वात का, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। उनके द्वारा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ है चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में लिखित है।
चरक ने अनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया, उन्हें उन कारणों का पता चला, या चरक को उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का लिंग है निश्चित होता है। ये उन कारणों का चरक को पता था कि जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, ये निर्धारित होता है, उन कारणों का चरक को पता था। बच्चों में अनुवांशिकी दोष जैसे कि लंगड़ापन, अंधापन, माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, जो शरीर से मुख्य धमनियों के द्वारा जुड़ा होता है। चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों और चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश और प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख किया। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, रोगी के घर की बात नहीं बताना चाहिए, चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने और उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा जाता है। फिर आते हैं सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुधिरा में हुआ। उनके पिता थे चंद्रशेखर अय्यर और उनकी माता थी पार्वती अम्मल। उनके पिता विशाखापट्टनम के वाल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। रमन ने वाल्टेयर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। 19 वर्ष की आयु में अर्थ विज्ञान के अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा दी और भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें साहित्य, इतिहास, संस्कृत, राजनीति शास्त्र जैसे विषय पूछे जाते हैं, जैसे विषय थे उनमें ये चयनित हुए। भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल ये नियुक्त किए गए। रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्र तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में रमन ने डाकतार विभाग के महालेखा पद से त्याग पत्र दे दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने और इस पद पर रहते हुए रमन ने अपने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की, जो उन्होंने 1928 में पूर्ण किया। रमन प्रभाव की खोज पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब तो प्रकाश व द्रव्य में अंतःक्रिया होती है जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। रमन प्रभाव खोज की विशेष बात यह थी कि केवल 200 रुपए के उपकरण और ना के बराबर सुविधाओं के साथ रमन ने यह खोज की। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया और 1954 किया गया। राष्ट्र के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। रमन ने समुद्र और आकाश का नीला रंग होने के कारण बताया कि समुद्र और आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठोस, द्रव और गैसों का अध्ययन किया। इनके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। 20 नवंबर 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। उनके सम्मान और रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर आते हैं होमी जहांगीर भाभा। भाभा केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं वरन अत्यंत कुशल प्रशासक एवं कला प्रेमी थे। भाभा उच्च कोटि के चित्रकार थे। उनके चित्र ब्रिटिश कला दीर्घाओं में सुरक्षित थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल और एलिफेंटसन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। 1930 में
विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया। 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। तो यहाँ पर 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर के कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और बताया कि कॉस्मिक किरणें बेसूक्ष्म कण हैं जो भारी अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं और वायु कणों से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फब्बारा उत्पन्न करते हैं। भाभा ने इन नाभिकीय कणों की खोजा जो बाद में सौन कणों के रूप में जाने गए। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। देश के स्वतंत्र होने के उपरांत 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की इन्होंने स्थापना की और भाभा इसके अध्यक्ष बने। इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, सायरस, जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में हुआ। भारत के परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 61 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर भाभा को यहाँ पर बनाया गया। 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रांबे का नाम बदल करके भाभा को समर्पित कार्य के सम्मान और श्रद्धांजलि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का रख दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय कौन थे? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के फूलन खुलना जिले के रूरली कतिपुरा नामक गांव में 2 अगस्त 1861 में हुआ था। इनके पिता हरिश्चंद्र राय मध्यव्रती के संपन्न गृहस्थ तथा फारसी के विद्वान थे। इन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा क्रम से गांव के मॉडल स्कूल, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल और एल्बर्ट स्कूल से प्राप्त की। सन 1879 एंट्रेंस परीक्षा पास करके इन्होंने कॉलेज की परीक्षा की पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में आरंभ की, पर विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। सन 1882 में गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में सफल होने के कारण एडिनबरा विश्वविद्यालय में दाखिल हुए और इनके सहपाठियों में रसायन के सुप्रसिद्ध विज्ञान प्रोफेसर जेम्स वॉकर, एफ आर एस अलेक्जेंडर स्मिथ, एफ मार्शल आदि थे, जिनके संपर्क से रसायन शास्त्र की ओर इनका झुकाव हुआ। इस विश्वविद्यालय के उपसभापति ये चुने गए। तो ये हैं डॉक्टर प्रोफेसर चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। भारत वापस आने के पश्चात प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद नियुक्त हुए और जबकि इनके कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पद और कई अधिक वेतनों पर उसी कॉलेज में नियुक्त थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र ने जब इस अन्याय को देखा, विभाग अंग्रेज डायरेक्टर से विरोध किया तो उसने व्यंग किया कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। अंग्रेज अधिकारी के व्यंगात्मक शब्दों का ही प्रभाव था कि राय ने 1892 में 800 रुपए की अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधि तैयार कराने के लिए विलायती ढंग की औषधि तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्म्यूनिटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया जो कि प्रगति प्रगति कर कर
रुपए से 84 वर्ष की आयु में हुई। फिर आते हैं डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, 1904 में जन्म हुआ, 1966 में मृत्यु हुई। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी भारतीय वनस्पति विज्ञान के थे। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1904 को जयपुर में हुआ। डॉक्टर माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज से अध्यापन कार्य आरंभ किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ, ढाका विश्वविद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य किया। 1948 में डॉक्टर माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष होकर आ गए। ये हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। फिर डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया और इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया। इससे फूलों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण के द्वारा वृद्धि कराने में पर्याप्त सफलता हासिल की। इसके अधीन शोध कार्य करने वाले केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के छात्र भी आते थे। इनके मार्गदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपने विषय के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना, टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बना करके सम्मानित किया। 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर महेश्वरी का निधन हो गया। डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली है। डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 को हुआ। ये एक भारतीय पक्षी विज्ञानी या प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के वर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की। 1976 में सलीम अली को 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए उन्होंने अपनी प्रभाविकता का उपयोग किया। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवला देव नेशनल पार्क के निर्माण एवं एक बांध परियोजना को रुकवाने पर उन्होंने काफी जोर दिया, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा था। तो ये हैं डॉक्टर सलीम अली, पक्षी वैज्ञानिक इनको कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलाड़ की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया। असामान्य रंग की गोरिया की पहचान की, जिसे युवा सलीम ने खेल खेल में अपनी बंदूक खिलौने से शिकार किया था। मिलाड़ ने इस पक्षी के एक पीले गले की गोरिया के रूप में पहचान की और सलीम को सोसाइटी में संग्रहित सभी पक्षियों को दिखाया। मिलाड ने सलीम को पक्षियों के संग्रह करने के लिए कुछ किताबें दी, जिसमें कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल थी। उनके आत्मकथा दी फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने लिखा है, दी फॉल ऑफ ए स्पैरो उनकी आत्मकथा है, उसमें अली ने लिखा है कि पतली गर्दन वाली गोरिया की घटना को उनके अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर से अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। सलीम अली की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुई। इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री न होने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपये के वेतन पर गाइड के रूप में व्याख्याता नियुक्त होने के बाद पढ़ाई करने का इन्होंने फैसला किया। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय ने मानक डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे 91 वर्षीय सलीम अली का निधन 1987 में हुआ। 1990 में भारत सरकार के द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर एर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को इन्होंने स्थापित किया। फिर है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन व माता का नाम अशियम्मा था। रामेश्वर में प्रारंभिक शिक्षा के बाद कलाम पड़ोसी कस्बे रामानाथपुरम के क्वार्टर्स हाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन करने हेतु दाखिल हुए। अय्या होरे सोलेमन उनके प्रेरणा स्रोत बने। सोलेमन का गुरु मंत्र, जीवन में सफलता पाने के लिए तीन बातों की जरूरत है, पहली इच्छा शक्ति, दूसरी आस्था और तीसरी उम्मीद। कलाम के जीवन का ये तीन चीज आधार बनी। ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्नीस में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला हुए। 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन में हावर क्राफ्ट परियोजना पर काम करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। 1962 में प्रोफेसर एम जी मेनन कलाम की लगन और मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ले गए, जहां कलाम के जीवन का स्वर्णिम अध्याय का सुनहरा आगाज हुआ। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रक्षेपण प्राप्त किया और रॉकेट नॉए कपाचे छोड़ा। इन्हें एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरी, जिसमें रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम संबंधित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1984 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नमक मिसाइलों का विकास एवं प्रक्षेपण किया। 1958 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में भाषण देते हुए उनकी हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हुआ, जो भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए अपूर्णनीय क्षति है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें, जैसे कि चरक आयुर्वेद के महान आचार्य थे। चरक संहिता लगभग 20 शताब्दी पहले इनके द्वारा रचा गया ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है चरक, और इसमें शरीर की रचना, रोग एवं उनके चिकित्सा के बारे में विस्तार से वर्णन है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे, और लगभग 2600 शताब्दी पहले ही इन्होंने सीजेरियन ऑपरेशन आपूर्ति दोष या प्लास्टिक सर्जरी जैसे चिकित्सीय क्रियाओं का ज्ञान दुनिया को कराया। फिर है सर सीवी रमन का जन्म। सर सीवी रमन का जन्म 1888 में त्रिचिरापल्ली में हुआ था। 19 वर्ष की अल्प आयु में भारत सरकार के द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखपाल नियुक्त किए गए। डॉक्टर रमन के द्वारा खोजे गए विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव पर 1930 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है, तो विकिरण के कारण उसकी आवृत्ति बदल जाती है। 30 अक्टूबर 1909 को जन्मे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु शक्ति आयोग के प्रमुख अध्यक्ष थे। इनके निर्देशन में रिएक्टर जैसे अप्सरा, सायरस, जर्लीना आदि की स्थापना हुई। इन्होंने अंतरिक्ष किरणों में भारत में 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट का सफल परीक्षण हुआ। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। डॉक्टर मेघनाथ साहा भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने अपने कार्य में खगोल विज्ञान को प्रमुख आधार बनाया। डॉक्टर साहा के अनुसार उच्च ताप तत्वों के आयनीकरण से
वायुमंडल में तापमान का विवरण होता है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी वनस्पति विज्ञान के थे, उन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किए। भ्रूण विज्ञान में सह मिश्रण से फूलों के विभिन्न रंगों में कृत्रिम पोषण के द्वारा वृद्धिकरण में सफलता प्राप्त की। रसायन विज्ञानी थे, बंगाल केमिकल एंड फार्मुलिस्ट वर्क्स में किया गया। यह कारखाना आगे प्रगति कर करोड़ों रुपए का हो गया। इनके आधार पर देश में अनेक उद्योगों का सूत्रपात हुआ। डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भारत के प्राकृतिक वैज्ञानिकों के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पक्षियों पर अध्ययन किया। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। इनका मुख्य योगदान भरतपुर कैवलादेव पक्षी अभयारण्य और साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क की स्थापना में रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हम देखते हैं, अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। कौन सी शाखा में अध्ययन? पक्षी विज्ञानी किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के कहां पर स्थित है? मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है चरक संहिता।